हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने ये कार्ट के फंक्शन को क्रिएट किया था, पर यहाँ पर ये जो शॉपिंग क्लियर शॉपिंग कार्ट है वहाँ पर क्लिक करते हैं तो सारे जो कार्ट का जो प्रोडक्ट है वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो ठीक है, पर हमें एक प्रोडक्ट अगर एक प्रोडक्ट को हमें क्लियर करना है तो उसके लिए हमें और दूसरा फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए। मैं दूसरे प्रोडक्ट को भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने किया दूसरे प्रोडक्ट को ऐड। जब मैं ये क्रॉस बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ यही प्रोडक्ट डिलीट हो जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो ये जो क्रॉस बटन है उसके कोड में आना है हमें। तो ये कार्ट डिटेल के अंदर यहाँ पर होगा ये पेंसिल, पेंसिल के नीचे ये टाइम्स है, तो ये वाला इसका कोड है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही नोटपैड में कोड लिख कर रखा है। तो मैंने इसको किया पेस्ट। इसमें है URL आइटम क्लियर की, सिर्फ वो की क्लियर हो जाए, वो क्लिक जो की है वो क्लियर हो जाएगी, न कि जो सारी सारी की है वो नहीं क्लियर होगी। तो इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ओके, तो ये वर्क कर रहा है, ये एक प्रोडक्ट चला गया। अगर मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ तो मेरा शॉपिंग कार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फिर से मैं कुछ आइटम्स को ऐड करके दिखा देता हूँ। मैंने ये दो आइटम को ऐड की, इसको क्लियर करना चाहे तो क्लियर कर सकते हैं। अब बारी है ये क्वांटिटी की। तो ये जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है वो अभी जावास्क्रिप्ट से आ रही है, उसके कोड को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा उसका कोड क्वांटिटी बटन वाला। तो इसमें हमें इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ उसकी वैल्यू है। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये 8 किया तो मैंने इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि उसका उसकी वैल्यू 1 है अभी के लिए। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उसका भी कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है तो मैं उसी को ही कॉपी करूँगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके वो कोड को लिख देना। मैं इसकी फॉर्मेट को टिक कर लेता हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये कोड को लिख देना, ये कोई ज़्यादा कोड नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही कोड लिखना है। आपको ये कोड को आपको लिख देना है, ये कोई बहुत ज़्यादा कोड नहीं है कि मैं आपको इसकी फाइल बना के दूँ। ये हमने एक कोड लिख दिया। अब हम आएंगे हमारी डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये रही हमारी डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए कोड दिया हुआ है। तो ये रहा, ये पाथ है उसका, उसका URL भी हमें दिया हुआ था। ओके, ये रहा है URL। तो ये इंक्रीमेंट, तो ये प्लस का जो बटन है वहाँ पर ये कोड को लगाना है। तो ये प्लस और इसका जो HREF है उस पर आपको ये कोड को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, और डिक्रीमेंट के लिए इस कोड को आपको कॉपी करना है। तो ये रहा डिक्रीमेंट का कोड और ये डिक्रीमेंट का HREF एंकर टैग, इसको मैंने कॉपी किया। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको मैंने प्लस किया तो यहाँ 2 होना चाहिए। ओके, हम वैल्यू नहीं लाए थे तो ये वैल्यू 1 है अभी के लिए। तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज डॉट क्वान्टिटी लिखना पड़ेगा, वैल्यू डॉट क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया। इसको मैंने इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर प्राइस भी चेंज हो रही है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको 3 है तो इसको 2 कर सकते हैं, उसको 1 कर सकते हैं, 0 नहीं हो सकती, क्वांटिटी 1 तो रहेगी डिफ़ॉल्ट। ये 3, 4, आप जितनी क्वांटिटी करोगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ये क्वांटिटी का भी हमने फिक्स कर लिया। अब मेन बात आती है यहाँ पर,
ये जो यहाँ पर 01 दिखाई दे रहा है वो अभी स्टेटिक है, तो उसको हमें डायनेमिक करना पड़ेगा। जितने प्रोडक्ट हमारे कार्ट में ऐड है उसका नंबर यहाँ पर हमें शो कराना है। जितने प्रोडक्ट मेरे कार्ट में, अगर 5 प्रोडक्ट है तो यहाँ पर 5 नंबर आना चाहिए। तो हमें इसके लिए उसके कोड में जाना पड़ेगा, और ये हमारा नेविगेशन हेडर, जो हमारा हेडर है वो हमारी बीएस फाइल में है। तो हम आएंगे बीएस फाइल में, और बीएस फाइल में ऊपर की ओर इसका कोड होगा, ये होम के भी ऊपर है। ओके 01, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किसका कोड है। सर्च सर्च के बाद ये विश लिस्ट और ये कार्ट, ओके यही होगा। इसको मैं 5 करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये यही कोड है। नो, ये उसका कोड नहीं है मेरे ख्याल से, ये मोबाइल व्यू में काम करेगा। ओके ये तो ये मोबाइल व्यू का कोड है, तो उसको भी हमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका कोड भी मैंने लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट कार्ट लेंथ, जिससे हमारी कार्ट की लेंथ आ जाएगी। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर 1 आ गया क्योंकि हमारे कार्ट में 1 प्रोडक्ट है। और इसका मोबाइल व्यू, ये मोबाइल व्यू था, अब इसका जो डेस्कटॉप व्यू भी होगा इसका, तो हमें उसको खोजना पड़ेगा। तो ये ऊपर की ओर होगा, ओके यहाँ पर कुछ कोड है, ये 1 है, तो ये 1, इसको हम चेंज करके देख लेते हैं कि ये तो नहीं है 5। ओके तो यही कोड है उसका, तो इसकी जगह पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट और सेशन डॉट कार्ट लेंथ, जिससे हमारी कार्ट की लेंथ आ जाएगी। तो इस यहाँ पर मैंने किया पोस्ट पेस्ट, अब इसको करेंगे रिफ्रेश तो 1 आ जाएगा। अब मैं दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 आ गया क्योंकि हमारे कार्ट में टोटल 3 प्रोडक्ट है, तो उसकी लेंथ आ गई 3। इसकी इसकी भी क्वांटिटी को आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो।